हरियाणा के पलवल जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एक गांव निवासी महिला के साथ दुष्कर्म करने, उसके अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने के तर्ज मामले में इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में न्याय की गुहार को लेकर पीड़ित परिवार कई बार पुलिस के आला अधिकारियों से भी मिल चुका है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मामले में जल्द कार्रवाई न होने पर जिला उपायुक्त के खिलाफ धरना देने और रोड जाम करने की भी चेतावनी दी है। क्या कहा ग्रामीणों ने, आप खुद ही सुन लीजिएगा। इस लड़की के साथ बलात्कार किया है, पुलिस की हाफिस को अपनी शिकार बनाता रहा, वीडियो दिखा के इस पर दबाव बनाता रहा, कभी ब्लैकमेल करता रहा, भाई को मार दूंगा, परिवार को मार दूंगा, तेरे ये रेडी इस पर फोन पर ये गिर दूंगा, उसको हाफिस का शिकार बनाता रहा। लड़के के घर वाले थे, कई तो उन्होंने मारने की धमकी दी और हमें बिल्कुल इनके घर वालों को मारा पीटा और ये बेचारे मजबूरी में चुप लगाए। फिर इनने मजबूरी में लड़की की शादी कर दी, शादी करने के बाद भी इसने दबाव बनाया, लड़की ने मना कर दिया, लड़की उसके दबाव से अलग होना चाहिए, लड़की को अलग होने नहीं दिया। उस लड़की पे एक लड़की है, एक पेट में बच्चा है और उसके फोटो दिखा कर उसको बदनाम करके उसके फोटो है उसके हस्बैंड के पास भेज के उस लड़की को वहाँ से छुड़वा के घर बैठा दिया। और हम बार बार आ रहे हैं, 2 महीने से कार्रवाई कर रहे हैं, ये DSP साहब है, ये बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहा। और जगवती SI है, ये जगवती IU इंक्वायरी अफसर है, ये बिल्कुल सुनाई नहीं कर रही है। ये उन्हीं की तारीफ करते हैं, उनकी वारदात करती, उनकी तरफदारी करते हैं, ना कि हमारी कोई तसल्ली नहीं करी है। जब 376 दर्ज है उसको अरेस्ट करो, जो भी तफ्तीश होनी है पुलिस करेगी, कोर्ट करेगा, सही न्याय तो कोर्ट करता है। पुलिस का काम तो मुलजिम को पकड़ के कोर्ट में देना है, जो भी करना है वो तो मुलजिम का काम, तो जो करना है कार्रवाई करने में तो कोर्ट में करनी है। मुलजिम को पकड़ नहीं रहे, बिके हुए पैसा के दम पर खेल रहे हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं। SP साहब हमारी कुछ गौर कर रही है, उसने हमारी क्या सुनाई करी है, उसके पास हम फिर मिलेंगे, हम पकड़वाएंगे। लेकिन DSP और SHO और ASI लेडीज ASIO और लेडीज SHO और DSP साहब, ये तीनों हमारे हमसे खिलाफ है और मजबूरी में हमें परेशान कर रहे हैं। 5 बार गांव के 50-50 बार आदमी 5 बार आए, उनकी कोई सुनाई नहीं करी है और उनकी तरफदारी करते हैं और उसको पकड़ नहीं रहे हैं। आगे क्या कदम रहेगा आपका, सुनवाई नहीं? हमारा कदम ये रहेगा, सबसे पहले हम SP से मिलेंगे, कल परसों में SP साहब से मिलेंगे। SP साहब नए आए हैं, पहले आज SP साहब ने हमें भरोसा दिया था, काम भी चालू किया था, अब नए SP साहब लेडीज नहीं आई हैं, ये भी अच्छी है, ये नई अच्छी है, ईमानदार अच्छा काम करती है और ये कह रही है कि हम तुम्हारा तसल्ली पर काम कराएंगे। हम कल वाले इनके पास फिर मिलेंगे, इससे मिलने के बाद पता लगेगा, अगर ये करा दे तो ठीक और नहीं तो हम आगे भेजते कट्टर से मोदी से, हमें किसी से भी काम कराना पड़ेगा, लेकिन अरेस्ट कराना पड़ेगा, क्या हमें धरना देना पड़ेगा, पुलिस के खिलाफ धरना भी देंगे, हम रोड जाम कर देंगे। हम फिर 2019 का मामला है जी, मेरी बहन के साथ गलत काम हुआ था, दोषी दलवीर ने किया था, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हर बार आती है उसको भगा देती है, पहले उसको बता देती है, नहीं उसको अरेस्ट करा जा रहा, 2 महीने से ऊपर हो गया जी, 2019 से ये लगा लो 2 महीने होने को जा रहे हैं जी मुकदमे को दर्ज को, अब तक दोषी को कोई अरेस्ट ही नहीं कर रहा जी। पुलिस के अधिकारियों से मिलते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी करेंगे, तस्खीस चल रही है, अभी छानबीन चल रही है, ऐसे कर करके निकाल देते हैं। किस किस से मिल चुके हैं आप, क्या आश्वासन मिल रहा है? हम जी SP सर से मिल लिए, DSP सर से मिल लिए, IO मैडम से भी मिल लिए, SHO सर मैम से भी मिल लिए। से नहीं मिले, अभी SP से रहते हैं, मिल लिए। क्या कहते हैं? जीते मिले इससे, वही कहते हैं कि कर रहे हैं, चल रही है कार्रवाई, चल रही है, कर रहे हैं। अभी तक हमारे केस में कुछ भी कार्रवाई, अभी तक हमारे केस में कैसी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? आगे यही है जी, हम ऊपर अब किसी से मिलेंगे, जब सुनवाई नहीं कर रहे तो।